नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। अर्ली एज में ही हार्ट की प्रॉब्लम का आना, कम उम्र में ही लोगों को हार्ट की समस्याएं आने लगी हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? कई कारणों से हमारा हार्ट बीमार पड़ता है। इसमें जो मुख्य कारण हैं उनकी हम बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे सुपर फूड हैं, हेल्दी फूड हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं और जिनका सेवन करके या अपने डाइट में शामिल करके हम अपने हार्ट को, अपने स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं, इसी संदर्भ में आज बात करेंगे। उत्तम स्वास्थ्य की संकल्पनाओं को चरितार्थ करने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो पहले उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं जिनकी वजह से हम अनहेल्दी होते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं और हमारा हार्ट, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो सबसे पहले जो मुख्य कारण है वो पुअर लाइफस्टाइल, जो हमारी आराम तलबी की आदत है, खराब जीवन शैली है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। दूसरी बात है पुअर डाइटरी हैबिट या अनहेल्दी डाइट, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड या समय से भोजन न करना, मात्रावत भोजन न करना, ये हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरी बात आती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी हम एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, मेडिटेशन आदि से दूर होते जा रहे हैं, इसको रेगुलर नियमित रूप से नहीं करते हैं। चौथी बात जो है वो है एडिक्शन, यानी अल्कोहल या धूम्रपान या इस तरह के नारकोटिक्स जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका अत्यधिक सेवन करना। तो ये चार बातें हमारे हेल्थ को, हमारे हार्ट को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सुपर फूड हैं, जो हेल्दी डाइट में हमें शामिल करना चाहिए, अपने आहार में नियमित रूप से लेने का प्रयास करना चाहिए, तो उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी इस तरह के सुपर फूड्स होते हैं उसमें इसेंशियल फाइबर्स होते हैं, यानी जो फाइबर्स हमारा शरीर नहीं बना पाता वो हम बाहर से लेते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, एडिबल फाइबर, यानी उसको खाया जा सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होते हैं। तो ऐसे फाइबर्स इन भोजन में, इस फूड्स में पाए जाते हैं, उसको हमें लेना चाहिए। दूसरी बात होती है जो हमारे शरीर के लिए विटामिन्स और मिनरल की आवश्यकता होती है वो इन सब भोजन में या इस भोज्य सामग्रियों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तीसरी जो मुख्य बात है वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी एक हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे रक्त की वाहिनियों में ब्लॉकेज उत्पन्न करता है, वो हमारे लिए हानिकारक है। तो यह जो सुपर फूड्स होते हैं, ये हेल्दी डाइट्स जो होती है, वह गुड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हैं, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी धमनियों के लिए फायदेमंद होते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाता है। तो इस तरह ये सुपर फूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण यह हमारे कोशिकाओं के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस तरह ये सुपर फूड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आइए इन सुपर फूड्स में आज कुल चार सुपर फूड की बात करते हैं। चार ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसको अपने भोजन में शामिल करने से हम अपने हृदय को, हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहला सुपर फूड है बादाम। बादाम न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट और फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पर्याप्त मात्रा में होता है, जो इसेंशियल फैटी एसिड की श्रेणी में आता है। इसेंशियल फैटी एसिड मीन्स होता है कि जो फैटी एसिड हमारे शरीर की कोशिकाएं बना नहीं पाती हैं, उनको हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो यह नेचुरल सोर्स है इसेंशियल फैटी एसिड्स का। दूसरा सुपर फूड है अखरोट। अखरोट में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसके साथ ही मोनो अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर्स, फाइटोस्टेरॉल,
और कई सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तीसरा फूड है लहसुन। लहसुन सभी लोग जानते हैं, नियमित रूप से प्रयोग भी करते हैं, लेकिन लहसुन बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त है। यह अपने हार्ट के ब्लॉकेज को कम करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज उत्पन्न होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उनको कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलीनियम पाया जाता है। चौथा सुपर फूड है गाजर। गाजर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए, धमनियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह जो सुपर फूड्स होते हैं, जो प्लांट ओरिजिन के सुपर फूड्स होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जगह फाइटोस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इस तरह हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए प्लांट ओरिजिन के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करना लाभदायक होता है, क्योंकि प्लांट ओरिजिन का जो भी सब्सटेंस होता है उसमें फाइटोस्ट्रॉल पाया जाता है। यह फाइटोस्ट्रॉल पाचन के पश्चात कोलेस्ट्रॉल की तुलना में तेजी से अब्जॉर्ब होता है, जिससे कंपरेटिवली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में कम होती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने नहीं पाती, तो ब्लॉकेज की जो संभावना होती है वह भी कम हो जाती है। तो इस तरह जो प्लांट ओरिजिन के डाइट्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं, विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं। तो इस तरह अपने जीवन में हेल्दी डाइट में के रूप में इन सुपर फूड्स का, जो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, इनका सेवन करना सुनिश्चित करना चाहिए। और अपने लाइफ स्टाइल, अपने दिनचर्या में योग, व्यायाम और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सबको शामिल करना चाहिए। और साथ ही जो एडिक्शंस हैं, अल्कोहल, धूम्रपान, उनका त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह अपने हार्ट को, अपने जीवन को हम स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद।